कुलुसियों की पत्री उसका 3:16। और यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो वचन और दूसरा स्तुति करना, आत्मिक गीत गाना, भजन करना। हृदय और मन ही एक ऐसा चीज है जिसको यर्मिया ने लिख दिया कि धोखा देने वाला है, असाध्य रोग लगा है। तो यदि इस असाध्य रोग को आप अपने जीवन से अलग करेंगे तो उस जगह को भरना चाहिए, है ना। खाली स्थान छोड़ने के लिए बाइबिल मना करता है, बर्तन को धो लो, है ना, अच्छे से धो मांझ के रख दो, उसके बाद वो गंदा होगा कि नहीं, रख ही दिए रहो तो, बोलो होगा ना, है ना, होगा ना। तो यदि आप वैसे ही हृदय को एक बार यदि यीशु के लहू से धो दिए हैं, उसके बाद यीशु मसीह के पास नहीं आए तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, याद रखना। आप इसीलिए हम इस बात की शिक्षा देते हैं कि उद्धार एक ही बार में नहीं है, बपतिस्मा ले लिए उद्धार मिल गया, ऐसा नहीं है। जब तक कि आप उस संगति में बने ना रहो, है ना। तो दाऊद को बहुत अच्छे से पता था कि यदि मैं वचन नहीं जानूंगा तो मेरे जीवन से क्या होने लगेगा, पाप होने लगेगा। व्यक्ति का एक समय में धन काम नहीं आता, उसका स्टैंडर्ड काम नहीं आता, उसकी डिग्री काम नहीं आती, लेकिन वचन हमेशा और हमेशा काम आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। हालेलुया। किसी पास्टर प्रचारक को भेज करके नहीं, तेल और पानी को उंडेल करके नहीं, बाइबल स्पष्ट कह रहा है कि वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पकड़िए। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पकड़ना शुरू कर देंगे, एक बात याद रखना कि आप ठोकर खा के कभी नहीं गिरोगे, है ना। ठोकर खा के कभी भी आप गिरने वाले नहीं हो, क्योंकि वचन ही आपको संभालेगा, क्योंकि वचन ही इस बात को बताता है कि और वचन देहधारी हुआ, है ना। वचन ही देहधारी हुआ है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उस वचन को पकड़ लो, बैग में ही मत रखो, अलमारी में ही मत रखो, तकिया मत बनाओ। जब आप तकलीफों के बीच में होंगे, जब आप अकेले होंगे, लगेगा कि अब मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, अब मुझे समझने वाला कोई नहीं है, जब उस वचन को खोलेंगे तो लगेगा कि मेरे आंसू को पोंछने वाला कोई है, मेरे दुख को समझने वाला कोई है, कोई मेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। कितना अद्भुत है वचन। बाइबल के लिए प्रेम दिखाइए, परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम दिखाइए, क्योंकि उसको कहीं और जगह नहीं चाहिए, उसको हमारा पर्स नहीं चाहिए, उसको हमारा अलमारी नहीं चाहिए, उसको हमारा दीवान नहीं चाहिए, उसको हमारा हृदय चाहिए, क्योंकि वो जीवित है और जीवित लोगों के साथ में ही वो रहना चाहता है। हालेलुया। खामोश होकर के भी स्तुति मत करना, है ना। मैं बोली थी कि अगर आपको थैंक यू बोलना होगा तो आप मुक्का बन करके थैंक यू बोलने वाले बोलोगे, कितने लोग बोलोगे। भजन संहिता 34 को बड़े आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, पर जब आप हिस्ट्री को देखेंगे कि किस समय इस भजन को लिखा, हम लोग सोचते हैं अच्छा ही अच्छा होगा ना, तभी हमको स्तुति करना है, तभी हमको आराधना करना है, तभी भजन गाना है। लेकिन जब बाइबल के सिद्धांतों को जब आप देखेंगे, सबसे अधिक भजन करने वाला, सबसे अधिक स्तुति करने वाला ये दाऊद इस समय में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में है, और विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की वो महिमा को कर रहा है। मेरा पापा तो मेरे को पूछता नहीं है, मेरे भाई लोग मेरे को पूछते नहीं है, तो क्यों ना मैं उसकी स्तुति करूं, आराधना करूं, भजन को गाऊं। और इसीलिए जब वो भेड़ बकरियों को चराता रहा होगा तो उसके शब्द को कौन सुनता रहा होगा, है? सोचो, उसके पास नए नए शब्द, नया नया गीत, नया नया इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप गाओगे क्या?
विपरीत परिस्थिति में जाओगे? कभी विपरीत परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? दाऊद से सीखिए। कई बार लगता है मेरे ही दुख सबसे बड़ा है, मेरी परेशानी सबसे बड़ा है, भरमार है, दुखों का भी सागर है इसमें। परंतु नाम केवल उन्हीं का है जो इस दुख की घाटियों से पार होकर के कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जिस दिन आप स्तुति करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप मुख खोलना सीख जाएंगे, कुछ तो अद्भुत होगा। विपरीत टाइम में भी आप खुशी को दिखा पाओगे, कुछ तो नया होगा। हालेलुया। प्रभु के लिए आए हैं तो प्रभु की स्तुति करना सीखे, और दाऊद उनमें से है जिन्होंने स्तुति किया, और इसलिए उनका जीवन प्रभावशाली है क्योंकि उनके जीवन में वचन भरा हुआ है, और विपरीत समय में वो स्तुति करते रहे। इसलिए वो मुझको और आपको सिखाते हैं कि हमको हर परिस्थिति में निरंतर स्तुति करना है। हालेलुया। हम लोग तो इतना विपरीत भी गए भी नहीं है, और बोला जाए तो बोलेंगे हम जाना भी नहीं चाहते, है ना? इतना तकलीफ हमको नहीं उठाना, लेकिन आशीष उनका चाहिए। राजा बनना है, पौलुस जैसे नाम कमाना है, घूम घूम के सुसमाचार सुनाना है, लेकिन दुख उनके समान हमको उठाना नहीं है तो बन भी नहीं सकते। इलाहाबाद में थी, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, 9 टाके लगे थे जिसमें से 2 अपने आप खुल गया था, और डॉक्टर आकर के देख के गया और बोले स्टिच लगाना पड़ेगा, डबल, पता नहीं कैसे खुल गया था। तो मैं वो दोनों बहनों को, एक साउथ की थी, उनको मैं बोल रही कि गीत गाते हैं, चलिए प्रभु का गीत गाते हैं। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में? मैंने कहा हाँ गा लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा गीत गाएंगे, मैंने कहा प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, और फिर हम गाने लगे। डॉक्टर आए, अचानक से देखे हम 3 गाना गा रहे हैं, वो आके देखे ऐसा ऐसा इशारा किए, शायद उनका इशारा था धीरे, है ना, चले गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा नासरत हॉस्पिटल, वहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल ही था, और वहां पर देखे धीरे धीरे सारी नर्स आ गई उस गीत के टाइम में, और सब लोग आराधना करने लगे। कई मरीज थे जो उठ करके हमको देखने लगे, और डॉक्टर मुझको बोल के गए थे कि थोड़ी ही देर के बाद हम ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, वो दोनों स्टेज को फिर से करना पड़ेगा। और इस गीत के गाते गाते मैंने एक नर्स से कहा दीदी थोड़ा सा देखो मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। तो बोली क्या लग रहा है? मैं बोली पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। उन्होंने देखा मुझको, स्टेज जुड़ चुका था। हालेलुया।